वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की जो लेक्चर में हमने इमारतुर्कम पढ़ा था, इमारतुर्कम का हमने डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसी के साथ जुड़ा हुआ है वो है लॉ एंड सोसाइटी। इससे पहले कि हम ये जानें कि लॉ और सोसाइटी दुर्खिम के अनुसार क्या है या उनके बीच का आखिर कोरिलेशन क्या है, हमें लॉ और सोसाइटी को अलग अलग जानना अनिवार्य है। सबसे पहले अगर आप ये स्लाइड को देखेंगे तो आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 आर्टिकल 29 ये गारंटी